तो चलो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं सलमान भाई की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बनने जा रही है और वाइल्ड यूनिवर्स की सेकंड कंटेंट यानी टाइगर 3 के बारे में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का टाइगर 3 के अपडेट्स के एपिसोड नंबर 11 में, और आज के एपिसोड भी काफी खास और काफी एक्साइटिंग होने वाला। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 के स्क्रीन काउंट के बारे में, ट्रेलर के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, साथ ही साथ IMDb की रेटिंग, बुक माई शो के इंटरेस्ट, और साथ ही साथ इन सभी चीजों से रिलेटेड और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दिन क्या आएगा टाइगर 3 के रिलेटेड, क्या ट्रेलर होगा, क्या नया पोस्टर होगा, क्या आ सकता है और कल क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमेशा की तरह ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ सेकंड पहले जो चीज मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन कुछ आ सकता है, यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और बताया यही जा रहा है कि आज के दिन आउट ऑफ एनी वर्क एक पोस्टर आ सकता है और ये एक नया पोस्टर होगा और इसके अंदर ही जो है रिलीज डेट भी अनाउंस कर सकते हैं, बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल है, फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ इसी तरीके के रूमर्स अपडेट आ रहे हैं। ये तो हुआ एक अपडेट और भी, और भाई इन रूमर्ट अपडेट्स ने लिमिट तब क्रॉस किया, बताइए जा रहा है कि आज के दिन ट्रेलर आएगा। भाई साहब मतलब अलग ही लेवल चीज है। तो मैं बताऊं भाई, ट्रेलर ऐसे नहीं आएगा, ट्रेलर अगर आना होगा ना, उसको आने से पहले भाई बहुत सारे चीजें करें, पहले पूरा सोशल मीडिया मार्केट के अंदर ये न्यूज ये बातें पूरा आग की तरह फैलेगा, फिर रूमर्ट अपडेट्स आने शुरू होंगे, लोग बातें करेंगे इसको लेके, चर्चा करेंगे, और जो अपने ट्विटर के कुछ ज्ञानी बाबा लोग हैं, कुछ ऑफिशियल लोग हैं, उनके पास अपडेट आएंगे, कुछ रूमर डेट्स आएंगे, ये सभी चीजें होगा, आग की तरह ये फैलेगा, एक माहौल जमेगा, उसके बाद जाके आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ भाई अब ट्रेलर आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, अब जो है माहौल गर्म हो चुका है और अब आएगा आउट ऑफ एनीवेयर कोई भी डेट होगा और उसके बाद जो ट्रेलर को ड्रॉप करेंगे और तबाही होगा। ट्रेलर ऐसे ठंडा ठंडा करके नहीं रिलीज करेंगे, वो बहुत बड़ा चीज है, वो जब आएगा भाई साहब पूरा सुनामी हो जाएगा। अभी देखो ये जो लोग सेंस बना रही है, जो बता रहे कि आज के दिन कुछ आएगा, जैसे वो लोग एक ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे, मतलब उसका एक लॉजिक दे रहे, लॉजिक ये है जो पहला वाला टाइगर का पोस्टर आया, जब लोग बहुत ज्यादा क्रेजी कर रहे थे उस टाइम पे, टीजर आना था, प्रोमो आना था, ये सभी चीज चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं आया, तो खाली फैंस को शांत करते हुए जैसे वायरल वालों ने एक पोस्टर रिलीज किया, ठीक वो पोस्टर ऐसा नहीं था कि कोई अनाउंसमेंट था या फिर कोई रूमर डेट था, ऐसे आउट ऑफ एनीवेयर वो ड्रॉप उस पोस्टर को ड्रॉप किया था। तो अभी यही बता रहे कि क्योंकि देशभक्ति वाला मूवी है और कल का दिन बहुत अच्छा दिन है, गांधी जयंती का दिन है, तो जितना समझ में आ रहा है, और ये लोग इन सभी चीजों को लिंक बिंक करके बता रहे हैं कि भाई आज के दिन गांधी जयंती के अवसर में आउट ऑफ एनीवेयर शायद एक पोस्टर आ सकता है। हाँ, इसका आप एक सेंस बना सकते हो, लेकिन आएगा नहीं, उसका भी भाई माहौल बनाते हैं वायरल वाले, आएंगे नहीं, लेकिन कह सकते हो कि अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये बताया जा रहा है, खाली ये सुनो और छोड़ दो, अगर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया। तो अभी हम आते हैं दूसरे अपडेट के ऊपर, वो है स्क्रीन काउंट। तो भाई साहब स्क्रीन काउंट को लेके आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरल वाले मार्केटिंग करने में उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, वो ओवरसीज हो या फिर वो इंडिया में हो, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं। भाई साहब इतने सारे स्क्रीन्स ऑल ओवर इंडिया में मिलने वाले, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और अगर बाहर कंट्रीज की बात करें, 100+ कंट्रीज, तो वो लोग ऐसे ही जो है रिलीज करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, मतलब ओवरसीज कहो इंडिया कहो, भाई साहब जो स्क्रीन्स मिलेंगे और जो शोज इसको नसीब होंगे भाई साहब, वो बहुत ही खतरनाक होगा। मतलब वायरल का जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है भाई साहब, वो बहुत ही अलग है, उसके साथ अगर कोई भी मूवी जुड़ जाए ना, तब भी तबाही कर देते हैं, और ये तो उनका खुद का प्रोडक्शन में बनने वाला मूवी है, तो भाई साहब सोच के देखो ये कितना तबाही करेगा और कितना, मतलब क्या कहो, गांड फार लेवल पे स्क्रीन और जो भी चीजें इसको मिलेंगे मिलेंगे, और अभी से लेना भी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और उनका पावर का भी कोई अंदाजा नहीं है, अलग ही लेवल सीन करेंगे, तो उसको लेके कोई टेंशन इस नहीं है। 100+ कंट्रीज बाहर और इधर पे भाई इतने स्क्रीन मिलेंगे, 4-5, मतलब सोच से भी बाहर है, क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ट्रेलर की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अभी देखो ट्रेलर का डेट तो बता रहे कि 15-16-17 के बीच तक अक्टूबर में आपको ये ट्रेलर देखने को मिलेगा, मिड ऑफ अक्टूबर जितना अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ट्रेलर आएगा, अभी इसमें कोई भी ऑफिशियल नहीं है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता रहे कि तो कुछ भी वीडियो बना रहे अंधाधुन, इसमें कोई भी ऑफिशियल नहीं है, तो भाई मैंने एक बार भी बताया कि ऑफिशियल है, अपडेट है,
जो आ रहे हैं वही मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग पूछ रहे हो, मुझे पता है एज ए सलमान भाई फैंस, एज ए टाइगर 3 मूवी का आप लोग वेट कर रहे हो, तो आप लोग ये चीजें पूछते रहते हो। तो मेरा काम है वो चीज, जो भी चीजें चल रहे, वो रूमर्ड हो या फिर ऑफिशियल अपडेट हो या फिर कोई भी चीजें चल रहा हो, वो चीज को लेके आप लोगों के सामने रखना, आप लोगों को अपडेट करना। तो वही काम मैं हर सुबह करता हूं और इस मूवी को सपोर्ट करो। इसके बेसिस पे भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई मैं देख रहा हूं तू इस मूवी को लेके वीडियो दिए जा रहे, ऐसा ना कर, कोई मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तू टाइगर का वीडियो ले जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये सभी चीजें। तो देखो यार, ऐसा नहीं कह रहा है कि इस मूवी के वीडियोस में बना रहा हूं तो बाकी मूवीज को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा है। एज ए मूवी लवर देखो, एज ए फैन अलग बात है कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है खाली इसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे सलमान भाई फैन बहुत दिनों के बाद ऐसे रूप में, ऐसे अवतार में आए हैं और टाइगर वाले रूप में आए, जो कि हर सलमान भाई फैंस ये मेरे से एग्री करेंगे कि ऐसे लुक में और ऐसे अवतार में, और टाइगर ये एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो कि सलमान भाई के फैंस के लिए तो इमोशन है और टाइगर हर फैंस के दिल में बसता है। तो ये एक अलग ही लेवल की मूवी है और सभी चाहते हैं कि इस तरीके के अवतार में सलमान भाई आए। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये चीज स्टार्ट किया है कि जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाता तब तक हर दिन सुबह के 8:30 बजे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पे ओवरऑल डे में जो भी चीजें चल रहा होगा उसको लेके मैं डिस्कस करूंगा। वो ट्रेलर हो, टीजर हो, प्रमोशन मटेरियल हो, स्क्रीन काउंट हो, जो भी चीज हो, सलमान भाई ने कुछ किया ये वो चीजें, इंटरव्यू, हर वो चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और वो चीज बताऊंगा। तो वो एक मैंने ये चीज स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी और मूवी को सपोर्ट नहीं करने वाला, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, अपडेट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। तो फिलहाल इस टाइम पे जो भी मूवीज रिलीज होने वाले उसको लेके ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है। अगर टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, पोस्टर आएगा, गाने आएंगे तो मैं जरूर रिव्यू करूंगा, अगर आएगा तब, नहीं आएगा तो फालतू में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं नहीं बना रहा, इसीलिए मैं टाइगर को लेके अपडेट दे रहा हूँ, अपडेट आ रहे तो मैं दे रहा हूँ, और आप लोग भी जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, तो इसको लेके हेडवेट मत फैला। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो अभी इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करते हैं, अब बात करते हैं गाने के बारे में, फर्स्ट सिंगल के बारे में। तो दोस्तों बताइए जा रहा है, ये जो पहला सिंगल होगा इसके अंदर जो है हमें जोया यानी कैटरीना कैफ देखने को मिलेंगी, सलमान खान कैटरीना कैफ दोनों आएंगे, जो हमने टाइगर जिंदा है में ये जो म्यूजिक सुना था भाई साहब, आइकॉनिक सॉन्ग स्वैग से स्वागत भाई साहब, कुछ इसी तरीके का धमाकेदार ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आएगा। क्या वो लेके प्रभु का नाम होगा, दुआए होगा, ये दोनों मूवीज, ये जो टाइटल्स है अभी रिवील हो रहे, इनमें कोई होगा या फिर कुछ और होगा नहीं पता, लेकिन जितना बताया जा रहा है, अपडेट आ रहे हैं कि ये जो पहला सिंगल आएगा ये एक तरक्ता फरकता स्वैग से स्वागत वाला ही कुछ इस तरीके से होगा भाई। वो म्यूजिक, वो चीजें सुनने के लिए भाई फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जोया यानी कैटरीना कैफ के भी कैरेक्टर को देखने को मिलेगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि भाई साहब एक चीज गौर करो कि पूरे स्पाई यूनिवर्स का शुरुआत हुआ था टाइगर से, तो पहला जो कह सकते हो कि लेडी जो था ये स्पाई यूनिवर्स में से वो कैटरीना कैफ ही है। उसके बाद दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई, फिर और भी आने वाले हैं टाइम में, तो जो भी हो इसका जो स्टार्ट था वो कैटरीना कैफ से ही हुआ है। तो आई होप कैटरीना कैफ यानी जोया का जो कैरेक्टर है वो शायद इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलेंगे। और इमरान हाशमी की बात आप लोग करते हो, तो भाई साहब इमरान हाशमी को ऐसे ही नहीं दिखाएंगे, वो एक सरप्राइजिंगली एकदम गान फार जो है कैरेक्टर है, जब देखोगे तब कहोगे कि भाई साहब क्या ही बनाया है इसको, और शायद ट्रेलर के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ झलकिया। तो ये था आज का अपडेट, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पूरा टाइगर मेनिया स्टार्ट हो चुका है, हर जगह पे टाइगर 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 छाया हुआ। तो क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जाते जाते यानी इस एपिसोड 11 को खत्म करने से पहले बुक माय शो के इंटरेस्ट आप लोगों को बताता हूं, 105.9K के इंटरेस्ट हो रखे हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हो। और अभी तक अगर नहीं किया तो क्या करो, जाओ और जाके इंटरेस्ट करो, रिलीज से पहले 1 मिलियन करवाना है। और साथ ही साथ IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की अगर बात, तो नंबर 2 पे टाइगर 3 23.4% के साथ, कल यहां पे 22.9% था, आज 23.3%, यानी ये जो चीजें हैं क्रेज है, आप इस चीज से देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ पे टाइगर मेनिया स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। जो चीजें करना था, जितना माहौल बनाना था, जितना यहाँ पे हाइप करना था, ये टाइगर के मैसेज ने कर दिया है। अब उसके बाद ट्रेलर जैसे ही आएगा भाई साहब पूरा भूकंप मचेगा, और भाई वो जो चीज होगा ना भाई वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा क्लास होगा भाई, क्या रिकॉर्ड बनेंगे, ये जो व्यूज होगा, जो भी चीजें हुआ ना, अभी ये नहीं आए वो नहीं आए, सब चुप हो जाएंगे और खाली इस बार देखेंगे टाइगर की तबाही। क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, टाइगर 3 के रिलेटेड, सलमान भाई के
अपकमिंग मूवीज के जितने भी चीजें होंगे इस चैनल के ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर रोजाना देखने को मिलता है। तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सपोर्ट करो, जितने भी सलमान भाई फैंस है भाई लोग सपोर्ट करो, और भाई मूवी रिलीज से पहले इस चैनल के ऊपर 10K फैमिली मुझे देखना है, तो भाई से सपोर्ट करो एंड मूवी को भी करो, अपने भाई को भी। तो आज एपिसोड 11 को ही पे खत्म करते हैं, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग एपिसोड 12 के साथ, और अगर इंटरेस्टिंग कोई अपडेट होगा तो आज चैनल पे भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गांधी जयंती के लिए फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तब तक ले बाय, जय हिंद।